जिंदगी के सफर में एक बात समझ में आई, जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कितने भी अपने क्यों ना हो पहले अपना देखते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा मैं YouTube में कब आया था एंड कितने साल हो गए मुझे आए हुए YouTube में एंड अभी मुझे कैसा फील हो रहा है। तो गाइस मैं सच बोलूं तो मुझे YouTube में आए लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड मुझे अभी थोड़ा ठीक ठाक मतलब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गाइस जो पहले मेरे चैनल पे व्यूज आते थे ना लिटरली मुझे कुछ रीजंस रहते थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड करता था बट मन नहीं करता था, क्योंकि उस समय जो व्यूज आ रहे थे मेरे चैनल पे मुश्किल से 10 से 15 व्यूज आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हार नहीं मानता, क्योंकि मैंने एक साल पहले एक चैनल देखा था, उसमें क्या था कि एक चैनल पे 10-15 व्यूज आ रहे थे बट उसकी एक वीडियो मिलियंस पे चली गई थी। बट वहां पे मुझे लगा जब ऐसे बंदे की वीडियो वायरल हो सकती है और वो उसका चैनल ग्रो हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, तो वहां से मैंने पॉइंट नोट किया। तो फिर मुझे वहां लगा कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यू काम करना चाहिए एंड रेगुलरली मैंने वहां पे स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम बढ़ते बढ़ते मैंने यूट्यूब में करीब मेरे 1K सब्सक्राइबर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो 1K सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन उस समय मुझे नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसा होता है, इसको करना क्या पड़ेगा, कहीं मेरा मोनेटाइज डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। बट मैंने सोचा कि अगर एक साथ प्रॉब्लम को फेस करूंगा तो बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप अगर पार करेंगे तो इजीली हो जाएगा, और अगर एक साथ सभी का टेंशन लेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, स्टेप 1 स्टेप 2 एक एक करके मैंने सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस किया और स्ट्रगल करते करते उनको जैसे तैसे मैंने फिनिश किया एंड फाइनली जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो 2 से 3 दिन लग गए थे मेरे चैनल पे बट फाइनली मोनेटाइज हो गया था। उस दिन मैं मतलब चैन की नींद सोया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लिटरली मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ गाइस, वहां पर मैंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता गया। उसके बाद फाइनली मेरे 5K सब्सक्राइबर हुए, फिर भी मैंने वर्क करता गया, मैंने सोचा मुझे मिलियंस करना एंड मेरा सपना है और एक दिन मैं करके जरूर दिखाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, आज भी मैं वादा करता हूं आप लोगों से। और फाइनली करते करते मेरे 20K भी हो गए और आज मेरे 24K सब्सक्राइबर भी हो गए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, देखो जिंदगी में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको करने की इच्छा होना चाहिए, आपका खुदा के साथ साथ आपकी किस्मत भी जरूर साथ देती है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर बनोगे। और हाँ गाइस मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा मैंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया अपनी लाइफ में एंड 2-2, 3-3 बजे नाइट तक जाग जाग कर मैंने वीडियो एडिटिंग की है एंड फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई है। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार अभी मुझे और थोड़ा सा चाहिए, तो आप लोग अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड गाइज बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा एंड एवरीथिंग इज ऑल लव यू गाइज एंड स्प्रेड लव।